हेलो एडिटर, इस वाले इफेक्ट को बनाने के लिए मैं आपको बिल्कुल ही आसान तरीका बताने वाला हूँ, जिसे देखने के बाद आप अपने वीडियो में कुछ सेकेंडों में ऐसे इफेक्ट को अप्लाई कर लोगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तभी आप वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, वरना मत करना। तो चलो हम लोग इस वाले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने मोबाइल में एलाइट मोशन एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। देन आपको इस प्लस वाले आइकन पर चले जाना है, वीडियो का रजिस्टर सेलेक्ट करके नीचे में क्रिएट प्रोजेक्ट पर टैप कर देना है। अब आपको क्या करना है, दोबारा से इस प्लस वाले आइकन पर टैप करना है और यहाँ पर जो मीडिया का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको चले जाना है और गैलरी से वीडियो को ऐड कर लेना है। तो वीडियो ऐड करने के बाद आपको क्या करना है, अपने वीडियो के लेयर पर एक बार टैप करेंगे और यहाँ पर इफेक्ट वाले ऑप्शन पर चले जाएंगे, ऐड इफेक्ट पर टैप करेंगे और ऊपर में सर्च कर लेंगे चैनल RGB, तो CH लिख कर सर्च करेंगे। बस इतना ही लिखना है, ये वाला इफेक्ट मिल जाएगा, इसको ऐड कर लेंगे और चले जाएंगे इसके स्टैंडर्ड सेटिंग पे। अब यहाँ पर जो चार लाइन दिख रहा है, थर्ड वाला लाइन को बदल के G पे रख देंगे और लास्ट वाला लाइन को बदल के 1 पे रख देंगे। उसके बाद चैनल RGB रैम पे एक बार टैप करेंगे और दोबारा से ऐड इफेक्ट वाले ऑप्शन पे चले जाएंगे और ऊपर में सर्च कर लेंगे सिचुएशन वाइब्रेंस, तो SAT लिख कर आपको सर्च करना है, इसको भी आपको ऐड कर लेना है और चले जाना है इसके स्टैंडर्ड सेटिंग पे। अब आपको सिचुएशन वाइब्रेंस का जो स्ट्रेंथ है इसको आपको बढ़ा के पूरा 100 रख लेना है। देन आपको यहाँ से आ जाना है बैक आ जाने के बाद आपको इस प्लस वाले आइकन पर टैप करना है और यहाँ पर स्क्वायर का शेप को आपको ऐड कर लेना है, इसको पूरी तरह से जूम करके वीडियो में अप्लाई कर देना है और आपको यहाँ पर इफेक्ट वाले ऑप्शन पर चले जाना है, ऐड इफेक्ट पर टैप करना है और ऊपर में आपको सर्च कर लेना है कॉपी बैकग्राउंड, तो CO लिख कर आपको सर्च करना है, ये वाला इफेक्ट मिल जाएगा, इसको आपको ऐड कर लेना है, चले जाना है इसके स्टैंडर्ड सेटिंग पर। देन आपको कॉपी बैकग्राउंड पर टैप करना है और दोबारा से ऐड इफेक्ट वाले ऑप्शन पर चले जाना है और ऊपर में आपको सर्च कर लेना है गॉसियन ब्लर, तो GA लिख कर आपको सर्च करना है, ये वाला इफेक्ट मिल जाएगा, इसको ऐड कर लेना है और इसके स्टैंडर्ड सेटिंग पे चले जाना है। और फिर से आपको ऐड इफेक्ट वाले ऑप्शन पे टैप करना है और ऊपर में सर्च कर लेना है एक्सपोजर गामा, तो EX लिख कर आपको सर्च करना है, ये वाला इफेक्ट मिल जाएगा, इसको ऐड कर लेना है, चले जाना है इसके स्टैंडर्ड सेटिंग पे। अब आपको क्या करना है, गॉसियन ब्लर का जो स्ट्रेंथ है इसको आपको बढ़ा के 500 तक रख लेना है, ठीक है। इतना रखने के बाद आपको यहाँ से आ जाना है बैक, उसके बाद एक्सपोजर एंड गामा वाला ऑप्शन पर चले जाना है और एक्सपोजर का जो ऑप्शन है इसको आपको घटा के 40 तक रखना है और नीचे में जो गामा का ऑप्शन है इसको आपको घटा के 950 तक रख लेना है और नीचे में लास्ट में जो ऑफसेट का ऑप्शन है इस पर टैप करना है, इसको आपको 0.06 रखना है माइनस में, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ से आ जाना है बैक आ जाने के बाद आपको इस ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी वाले ऑप्शन पर चले जाना है और यहाँ पर जो डिफरेंस का ऑप्शन है इस पर आपको टैप करना है और तीसरे में जो इफेक्ट है सब ट्रैक का इसको आपको ऐड कर लेना है। उसके बाद यहाँ से आ जाना है बैक आ जाने के बाद आपको फिर से इस प्लस वाले आइकन पर टैप करना होगा और यहाँ पर स्क्वायर का शेप को ऐड कर लेना है, उसके बाद इसको पूरी तरह से फिल कर लेना है और कलर एंड फिल वाला ऑप्शन पर जाके आपको ये व्हाइट वाला कलर आपको ऐड कर लेना है। उसके बाद यहाँ से आ जाना है बैक और आपको ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी वाले ऑप्शन पर चले जाके यहाँ से कॉन्ट्रास्ट का जो ऑप्शन है इस पर टैप करके आपको ओवरले को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ से आ जाना है बैक आ जाने के बाद देखोगे आपके वीडियो में इफेक्ट जो है थोड़ा थोड़ा अप्लाई हो जाएगा, लेकिन अभी जो है ये वीडियो कंप्लीट नहीं हुआ है, अब इसमें जो है मेन इफेक्ट को हम लोग अप्लाई करेंगे। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, दोबारा से इस प्लस वाले आइकन पर टैप करना है, उसके बाद इस स्क्वायर को शेप को ऐड कर लेना है, इसको पूरी तरह से जूम कर लेना है और आपको इफेक्ट वाले ऑप्शन पर चले जाके ऐड इफेक्ट पर टैप करना है और ऊपर में आपको सर्च कर लेना है कॉपी बैकग्राउंड, ठीक है। तो कॉपी बैकग्राउंड को आपको ऐड कर लेना है और चले जाना है इसके स्टैंडर्ड सेटिंग पर, फिर से आपको कॉपी बैकग्राउंड पर एक बार टैप कर देना है और ऐड इफेक्ट वाले ऑप्शन पर चले जाना है और ऊपर में आपको सर्च कर लेना है सिचुएशन वाइब्रेंस, तो SAT लिख कर आपको सर्च करना है, इसको ऐड कर लेना है और इसके स्टैंडर्ड सेटिंग पर चले जाना है। देन आपको ऐड इफेक्ट पर दोबारा से टैप करना है और ऊपर में आपको सर्च कर लेना है कलराइज, ठीक है। CO लिख कर आपको सर्च करना है, कलराइज का जो इफेक्ट है ये आपको मिल जाएगा, इसको आपको ऐड कर लेना है, चले जाना है इसके स्टैंडर्ड सेटिंग पर। देन आपको फिर से ऐड इफेक्ट पर टैप करना है और ऊपर में आपको सर्च कर लेना है CO लिख कर, तो कलर टेम्परेचर का एक इफेक्ट मिलेगा, तो इसको आपको ऐड कर लेना है, इसके स्टैंडर्ड सेटिंग पर चले जाना है। अब आपको क्या करना है, इस सारे इफेक्ट को एडजस्टमेंट कर लेना है। तो सबसे पहले आपको सिचुएशन और वाइब्रेंस वाले ऑप्शन पे टैप करना है और यहाँ पर जो सिचुएशन का ऑप्शन है इसको आपको घटा के -20 तक रखना है, ठीक है, -20% आपको रखना है। उसके बाद सिचुएशन वाइब्रेंस पे टैप कर देना है और यहाँ पर कलराइज वाले ऑप्शन पर चले जाना है और इसको आपको बढ़ा के 17% तक रख लेना, ठीक है, 17% तक इसको आपको बढ़ा के रख लेना है। तो मैंने यहाँ पर 17% रख लिया, उसके बाद आपको कलर राइज पे टैप कर देना है, उसके बाद आपको कलर टेम्परेचर पे टैप करना है और इसको बढ़ा लेना, आपको 7 तक बढ़ा कर रख लेना है, 7000 तक आपको इसको बढ़ा कर रख लेना है, ठीक है। इतना बढ़ा लेने के बाद आपको यहाँ से आ जाना है बैक। अब आपको क्या करना है, इस प्लस वाला आइकन पर टैप करना है और यहाँ से स्क्वायर के शेप को ऐड कर लेना है, इसको पूरी तरह से जूम करके कलर एंड फिल वाले ऑप्शन पर जाकर आपको यहाँ से व्हाइट कलर को ले लेना है, उसके बाद यहाँ से आ जाना है बैक और ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी वाला ऑप्शन पे जाके आपको यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट पे टैप कर देना है और यहाँ पर ओवरले को आपको सिलेक्ट कर लेना है और इसको थोड़ा आपको एडजस्ट कर लेना है, कुछ इतना घटा के रख लेना है। तो मैंने यहाँ पर 76% रख लिया, उसके बाद आपको यहाँ से आ जाना है बैक। तो बैक आ जाने के बाद आप देखोगे आपका वीडियो जो कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इस वाले इफेक्ट को पूरी वीडियो में अप्लाई कर देना है।
तो पूरी वीडियो में अप्लाई करने के लिए इस तरह आपको सभी को टैप करके मार्क कर लेना है, और यहाँ पर जो फर्स्ट में यहाँ पर कर देना है, और यहाँ पर लास्ट में जाके लास्ट पर यहाँ पर कर देना है। तो आपके वीडियो में ये वाला इफेक्ट जो है पूरी तरह से अप्लाई हो जाएगा और आपका वीडियो जो है कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको सिंपल सा इस वाले वीडियो को सेव कर लेना है, एक्सपोर्ट कर लेना है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करके और नोटिफिकेशन ऑन कर लेना।